कामरान गुलाम इज 29 ईयर्स ओल्ड, बाबर आजम का आज 30th बर्थडे है, ठीक है, दोनों एक साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, बहुत सारे रन बनाए हैं कामरान गुलाम ने, आज उनकी पूरी फैमिली आई हुई थी, एंड इतने साल पे साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन बनाने के बावजूद उनको मौका नहीं मिला, उनका डेब्यू नहीं कराया गया, क्योंकि बाबर आजम की नंबर 4 की पोजीशन प्रिजर्व करी जा रही थी, उस बाबर आजम ने जिसने पिछले 9 मैचेस 18 इनिंग्स में एक भी 50 नहीं मारी है, आज उसके रिप्लेसमेंट ने 118 रन मारे हैं, सो दिस इज अ लुक फॉर द गोइंग फॉर द बेटर फॉर पाकिस्तान, नो डाउट अबाउट इट, एंड जीत हार तो भाई इंग्लैंड बहुत अग्रेसिव है, इंग्लैंड से जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है पाकिस्तान के लिए, बट पॉजिटिव डायरेक्शन में क्रिकेट गई है इनकी। यार देखो जीत हार अलग बात है, लड़ना लड़ के दिखाया इस बंदे ने 4 नंबर पे, और दूसरी बात शिवानी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, मैं यही कहता था हमेशा कि ड्रॉप करना बनता है बाबर आजम को, रेस्ट देना नहीं ड्रॉप करना बनता है, ड्रॉप से क्या है बाकी का खेमा अपने आप कड़क हो जाएगा, जो गुट थे ना बाबर आजम की साइड, रिजवान की साइड, शहनशाह अफरीदी वाले, वो सब सीधे हो गए, साहिब आयुब को देख लो फॉर एग्जांपल, हो गए ना उठपटांग की शॉट बंद, उसको पता है अगले मैच में मैं ड्रॉप हो जाऊंगा अगर मैंने रन नहीं बनाए, रन बनाने लगा, रिजवान ने बाबर आजम को साथ दिया, अब उसको पता है अगला नंबर मेरा भी आ सकता है, तो उसने भी टुक टुक करके रन बनाने स्टार्ट कर दिए। सवाल सिर्फ इतना है कि कड़ा सी पीठ सीधी करनी थी इनकी, वो तो हो ही गई ना, अब रिजल्ट जो भी आए, यहां ना जीत पाए किसी और टीम के साथ तो जीतेंगे, बांग्लादेश से नहीं हारते ऐसे, और खिलाड़ी सही बात है अगर वो बाबर आजम के साथ खेल रहा था, वो आज 29 साल का है, ये 30 साल का है घटिया खिलाड़ी, गंदी सी शक्ल वाला जो कंट्री को लेट डाउन करवाता है, उसकी वजह से 4 नंबर की जगह में छोड़ रहा हूं बात को, 5 नंबर पे खिला देते, 3 पे खिला देते, उसका डेब्यू करवाने रोकने का क्या कारण है, एक ही कारण, जगह ले लेगा ना, वही गोबर आजम की जगह ले लेगा, यही कारण था कि कोई भी खिलाड़ी बाबर आजम से ज्यादा परफॉर्मेंस देने वाला टीम में चाहिए ही नहीं इनको, ना बाबर आजम को चाहिए, ना उसके पीआर सिस्टम को चाहिए, ना पाकिस्तान की बाकी आवाम को चाहिए। आप पीआर की बात कर रहे हैं, रमीज राजा, मैंने ट्विटर में, आप जो जितने भी लोग बैठे हैं जो भी ट्विटर में हैं, कृष आप भी जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने अभी पोस्ट किया आधे घंटे पहले, रमीज राजा, नासिर हुसैन एंड माइकल एथरटन उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब पता नहीं उसका क्यों इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई वैसे बात, बट उसका इंटरव्यू ले रहे हैं और वो कह रहा है बाबर आजम इज द ओनली सेलेबल कमोडिटी इन पाकिस्तान क्रिकेट, ठीक है, वो बाबर आजम को निकालने का मतलब है जो एडवर्टाइजर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, वो घबरा गए हैं, एडवर्टाइजर स्पॉन्सर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, एक ही पाकिस्तान क्रिकेट को बेचने का था, अब कोई सुपरस्टार है नहीं, पहली बात तो यार आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक इंसान को, ठीक है आप उसकी तारीफ कर रहे हो, बट आपको इतनी तो इंग्लिश आनी चाहिए कि आप किसी इंसान को सेलेबल कमोडिटी नहीं कह सकते, मतलब कि इस ये बहुत हाई प्राइस पे यू नो कोई चीज है जो बिक जाएगी, मतलब वो कोई चीज नहीं है, वो एक इंसान है, पहली बात तो सेलेबल कमोडिटी जो है बड़ा ही गंदा वर्ड है किसी इंसान के लिए यूज करने के लिए, रमीज राजा ने अपनी इंग्लिश शो करने के लिए दो फॉरेनर्स के सामने ये वर्ड का यूज तो कर दिया, पर इसको इसका मतलब नहीं एक्चुअली पता, बेसिकली इस प्रोस्टिट्यूट्स को यू नो सेलेबल कमोडिटीज कहते हैं, तो भाई उसने बेसिकली बाबर आजम को एक प्रोस्टिट्यूट ही बोल दिया कि भाई वो एक प्रोस्टिट्यूट है। दूसरी बात, ठीक है, स्पॉन्सर तो वैसे भी नहीं इनको मिल रहे, ब्रॉडकास्टिंग राइट तो वैसे भी इनकी बिक नहीं रही है, सिर्फ ये जो दफा न्यूज वगैरह जो है, जो बेटिंग साइट्स हैं, ठीक है, वो बेटिंग साइट्स इन्वेस्ट कर रही हैं इसमें, तो भाई वो तो बाबर आजम हो या ना हो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उन्हें। सवाल यही था, अबे गंदी शकल के दूसरे इंसान पाकिस्तान की साइड से रमीज राजा, तेरे जो ऊपर के बाल है ना इतने नीचे के बाल होते हैं यहाँ पे लोगों के, समझ रहा है क्या, बाबर आजम था इस स्क्वाड में इंग्लैंड के खिलाफ, क्यों नहीं मिली स्पॉन्सरशिप, बाबर आजम को तो सेकंड टेस्ट में ड्रॉप किया गया है, स्पॉन्सरशिप तो पहले टेस्ट के हिसाब से मिल जाती है, कहां गया तेरा सेलिब्रिटी सेलिंग करने वाला, गुट घूट नहीं पी जा रही होगी, बाबर आजम ड्रॉप हो गया क्योंकि इसका ये लवर ही था, इसको दुख इस चीज का है भाई, ये लवेरिया और रखा था ना जो इन दोनों का, एक तभी उसको प्रोस्टिट्यूट बुला रहा है, वो सही है, ये जो लवेरिया था उसका दर्द है, इसने क्यों नहीं बात की नसीम शाह पे कि भाई जो भी चीज होती है ये बेचारा क्यों बीच में पिसा जाता है, पहली बात
पाकिस्तान को एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सरशिप तब मिलेगी गधे के बच्चे जब पाकिस्तान जीतेगा। ना हमने डिस्कस किया ना ये सबको पता है, ये बात तो सबको ही पता है, जब पाकिस्तान जीतेगा तब उसको स्पॉन्सर मिलेंगे, ना कि अपने 2021 से पता नहीं शायद ये घर पे जीते नहीं है। या इंडिया के साथ मैचेज होंगे तब मिलेगा, यही दो तरीके होते हैं। आई थिंक इमर्जिंग एशिया कप में आने वाला है इंडिया। इंडिया हर आईसीसी टूर्नामेंट एसीसी टूर्नामेंट खेला, अगर उन्होंने बैकआउट कर दिया ना, हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे नहीं, एक एक ग्रुप में ही मत डालो, नॉकआउट मुकाबले में भिड़ते तो भिड़ेंगे, तो पाकिस्तान का खेल बरसों पहले खत्म हो चुका होता। मैं बता दूं रमीज राजा घंटे का राजा नहीं है तू, तेरे में इतनी बुद्धि नहीं है यार। वो प्लीज जो भी लोग ट्विटर पे है, मैंने वो उसको पोस्ट किया है वो वीडियो, वो जाके लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर करिए। मैं करूंगा स्पेशली।